नमस्ते, टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड और बीएड ईएलसीटी एडमिशन 2020-21 के लिए अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो गई है। ये आपको मिलेगी bedheprovesh.in की साइट पर, जहां पर आपने लॉगिन किया था और रजिस्टर किया था। यहां पर एक नई टैब आ गई है, अल्फाबेटिकली मेरिट लिस्ट। तो ये आपको ये चेक करना है कि आपने जो भी डिटेल दिए हैं उसके हिसाब से सारे डिटेल्स ठीक है या नहीं है। इसके लिए आपको, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र कैंडिडेट, आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट, जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट, NRI कैंडिडेट, अगर जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, उस लिस्ट को देखने के लिए आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर लिस्ट ओपन हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपको ये कोई मेरिट लिस्ट नहीं, इसका कोई आपको कॉलेज प्रेफरेंस अभी दिखने नहीं वाला है। अभी सिर्फ आपको ये दिखाया गया है कि आप चेक कीजिए आपने जो भी डिटेल्स भरे थे वो सही है या नहीं है, ये आपको चेक करना है यहाँ पर। अब जैसे ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, तो इसमें आपको अपना नाम ढूंढना होगा। कभी किन ब्राउज़र में यहीं पर एक सर्च का ऑप्शन आ जाता है, अगर ये यहाँ पर नहीं आता है तो आप इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद जब आप इसको PDF रीडर में आप डाउनलोड करोगे और ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च में आपका नाम डालना है, जैसे कि यहाँ पे पाटिल नाम डाला है, तो देखते क्लिक करने के बाद यहाँ पर आया। अगर आप अपना पूरा नाम डालते तो वो नाम आपको इसमें अपीयर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अपीयर हो गया आपके जैसा नाम। अगर कोई दूसरे का भी है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए तो दूसरा नाम आपको आ जाएगा। इस तरह से ये अपना नाम ढूंढिए और उसके बाद जो भी यहाँ पर कैटेगरी के डिटेल है, आपका नाम चेक कीजिए ठीक से, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, अगर SBC कैटेगरी, कैंडिडेट टाइप महाराष्ट्र कैंडिडेट, माइनॉरिटी डिटेल्स, फिजिकली हैंडीकैप, डिफेंस, ऑर्फन, CET के स्कोर सही है, आपने जो दिया है वही है, ELCT अगर आपने दी है तो उसके मार्क्स सही है, इन दोनों को मिलाकर टोटल क्या है, अगर कोई एजुकेशन कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, डिग्री कोर्स है, तो इसमें जो आपके परसेंटेज जो आपने दिए हैं वही है या नहीं, ये आपको चेक करना है। 12th स्टैंडर्ड और 10वीं के भी आपको चेक करना है, और आपके डॉक्यूमेंट स्टेटस चेक करना है। ये आपको आपके नाम के आगे चेक करना है। अगर इसमें कुछ आपको डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है, आपको लगता है कहीं पे कुछ गलत आ गया है, तो आपको क्या करना है, इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे जो भी आप फाइल डाउनलोड करेंगे उस फाइल के नीचे आपको यहाँ दिखाई देंगी। ये यहाँ पर 8 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इसको ठीक से पढ़िए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है उसको मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं पे कुछ, जी वो पॉइंट नंबर 4 है कि अगर यहाँ पे कुछ डिस्क्रिपेंसी आपको डेटा में दिखती है तो आपको ये एडिट कर सकते हो, कैप एप्लीकेशन ड्यूरिंग द ग्रीवेंस पीरियड। ये जो ग्रीवेंस पीरियड है इसमें आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर चेक कर एडिट कर सकते हो, डिटेल आप चेक एडिट कर सकते हो जब यह ग्रीवेंस पीरियड दिया गया है उसके। जब ग्रीवेंस पीरियड में आप जो भी आपके डेटा में कुछ गलत इसको दिख रहा है उसमें आप कर सकते हो। ग्रीवेंस पीरियड क्या दिया है, ये जो शेड्यूल दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो रिवाइज शेड्यूल आया था 24 तारीख को, इसमें आपको ये ग्रीवेंस पीरियड कब है दिखाई देगा। इसके हिसाब से पहले राउंड की मेरिट लिस्ट आ गई 5 जनवरी को, मतलब आज ही ये आ गई है ऑनलाइन। आपको ग्रीवेंस पीरियड दिया गया है 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में। इसका मतलब है आप अगर आपके डेटा शीट में कहीं पे भी कुछ इनकरेक्ट आपको लग रहा है तो आप खुद आपके लॉगिन्स में जाकर आप फॉर्म को एडिट कर सकते हो, कैप एप्लीकेशन आप एडिट कर सकते हो। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए, आप वो खुद पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कैंडिडेटर टाइप से बिलोंग करते हो, वही लिस्ट आपको ओपन करनी है। मान लीजिए अगर आपको उसमें कहीं पे भी नाम नहीं दिखाई देता है तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वो ओपन करके देखिए, हो सकता है वहाँ पे आपका नाम मिल जाए। इतने सारे कैंडिडेट हैं जिनके फॉर्म या तो लॉक नहीं हुए हैं या फिर इनकम्प्लीट है, तो उनके बारे में क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ कैंडिडेट उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं है तो उनके लिए क्या है,
इसके बारे में इंस्ट्रक्शन है, ये जो लास्ट वाला है अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट समरी जो है इसमें दिया गया है, ये मैंने ओपन करके रखी। इसमें लिखा है कि लगभग 13,216 कैंडिडेट ने रजिस्टर नहीं किया है बीएड और बीएड ईएलसीटी और स्पेशल 2 ईयर्स के कोर्स के लिए, जिन्होंने सीईटी दी थी लेकिन उसके बावजूद वो फॉर्म नहीं भर सके। अगर आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने कैप के राउंड 1 के लिए एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं किया है, तो वैसे कैंडिडेट राउंड 2 के लिए शेड्यूल में जो भी है तब वो कैंडिडेट एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो आप जाइए और यहाँ पर जिस भी आप कैंडिडेट टाइप से बिलोंग करते हो उस पर क्लिक कीजिए, वो लिस्ट आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे अपना नाम ढूंढिए, और नाम ढूंढने के बाद अगर उसमें कुछ आपको डेटा में कुछ अगर गलत लगता है, इनकरेक्ट लगता है, तो आपको आपके लॉगिन में इस शेड्यूल के हिसाब से 6 से 8 जनवरी के बीच में आपको डेटा करेक्ट करना है। हर एक बात ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल करेक्ट चेक कीजिए, ये ना हो कि किसी गलत या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से आपको जो एडमिशन है वो ना हो पाए। जो भी आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करेंगे उसके नीचे की सारी इंस्ट्रक्शन आप ठीक से पढ़िए, हर एक इंस्ट्रक्शन को 2 बार पढ़िए। अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो आप किसी भी नज़दीक के बीएड कॉलेज में जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।